तो दोस्तों अस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 793 करोड़ के आसपास, पिछले साल 637 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 761 करोड़। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने में, तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कह सकते 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। वहाँ पर देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं आप 4% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है, साल दो साल एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही। खर्चे की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 744 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 598 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 708 करोड़ के आसपास कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो ऑन एन एवरेज कंट्रोल में है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 41 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 29 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो आपको बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को। इस तेजी के पीछे आप रीजन भी आप बोल सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, इस क्वार्टर में कंपनी को ज्वाइंट वेंचर के नाम पे 10.5 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल कंपनी को 1.5 करोड़ के आसपास का लॉस लगा था, जबकि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी को 2.7 करोड़ का लॉस लगा था। ज्वाइंट वेंचर के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में अच्छा खासा फायदा हुआ है, जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिला। क्योंकि अगर ज्वाइंट वेंचर और टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखें जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, तो देखिए पिछले क्वार्टर में 54 करोड़ का था, पिछले साल 40 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 55 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 30% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट के अंदर 2% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको यहां पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 2.09 रुपये का ईपीएस था, पिछले साल 1.48 रुपये के आसपास, अभी देखें तो बढ़ गए 2.53 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर साल दो साल देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है क्वार्टर क्वार्टर तो हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दो साल कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का जो प्रॉफिट है दोनों एक अच्छे खासे अमाउंट पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।